Right, children. So before we start inverse trigonometry, we are going to start with trigonometry, and we would like to revise the concept of trigonometry in reference to their domain and the range. So domain, beta domain, kya hota hai? Domain is all the possible values of x for which the function, what is the function here? It is sine x, it is cos x, tan x, cosec x, sec x, and cot x, right? तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज डिफाइन होती हैं, उन सबको डोमेन कहते हैं. आपको पता है साइन की वैल्यू हर जगह पे डिफाइन होती है, राइट? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, sin x इज डिफाइंड, एंड दैट इज व्हाई द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, राइट? वी कुड हैव आल्सो एक्सप्रेस दिस r, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस, और वी कैन राइट लाइक ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सिमिलरली cos x में भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, right? The domain is all real number. ठीक है, minus infinity से plus infinity. I've used open bracket, children. ध्यान रखना. Tan x, x की सारी values allowed हैं. But तुम्हें शायद ध्यान में होगा कि tan x pi by 2 के odd multiple पे हमेशा क्या होता है? Odd multiple पे हमेशा it is coming out to be infinity or minus infinity. Right? किसी भी चीज में बेटा आपको परेशानी हो, please don't hesitate. Use your hand raise option. Use the chat box. You can use the mic as well. किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें ना समझ में आए, प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर डाउट, राइट? इमीडिएटली उस पॉइंट को तभी क्लियर करो. टेन एक्स की बात जब मैं कर रहा हूं, तो इसमें अब एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो सब के सब डोमेन होंगे. तो इसमें आपको पता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट? द ऑड मल्टीपल्स. ऑड नंबर क्या होते हैं? 2n+1. ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट? पाई बाई 2. ठीक है, तो टेन एक्स में डोमेन में सारे रियल नंबर्स होते हैं, बस ऑड मल्टीपल नहीं होते, 2n+1. यहाँ पे एन क्या है बेटा? N is any integer, है ना? And we can also say it can also be any natural number, ठीक है? But ये any integer पे भी valid है, ठीक है? अगर आप n की जगह पे कोई सा भी integer रखोगे, तो that would be valid. Similarly, cosec x कहाँ कहाँ पे आपका defined होता है? अब देखो, आपको इतना तो पता ही है कि cosec x is the inverse of sin x, right? This is nothing but 1/sin x, ठीक है? cosec x is nothing but 1/sin x. तो sin x जहां भी जीरो होगा वहां पे ये डिफाइंड नहीं होगा. और sin x जीरो कहां पे होता है बेटा? पाई पे, 2π पे, 3π पे. इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज नॉट डिफाइंड वेयर इट इज नॉट डिफाइंड एट nπ. ठीक है, nπ, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर अगेन. sec x, अब ये कहां पे होता है आपका? जहां पे cos जीरो होगा वहां पे sec डिफाइंड नहीं होगा. और cos कहां पे जीरो होता है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे. दैट सिंपली मींस जो हमारा tan में था एग्जैक्टली वही वाली चीज आ जाएगी. ठीक है, 2n+1 पाई बाई 2. cot, cot में भी कहां पे अनडिफाइंड होगा? सिर्फ n पाई पे, राइट? जहां पे tan जीरो होगा वहां पे cot अनडिफाइंड हो जाएगा. दैट विल बी n पाई. ओके, लेट अस टॉक अबाउट देयर रेंज, राइट? मैंने ये चीज कई बार पहले भी बच्चों को बताई है, राइट? अगर आपने मेरे वीडियोस YouTube पे फॉलो किए हैं, बिकॉज रिलेशंस एंड फंक्शंस इज व्हाट वी हैव जस्ट फिनिश्ड, राइट? यस, डे बिफोर यस्टरडे वी फिनिश्ड इट एंड देन वी स्टार्ट विद दिस. ठीक है, तो उसके भी सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हैं. सो इन केस यू आर यू हैव एनीथिंग टू गेट द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर, यू कैन ऑलवेज फॉलो देम. मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 12th बैच 2020-21. ठीक है, वहां से आप फॉलो कर सकते हो. साइन एक्स की बात मैं कर रहा था. साइन एक्स आपको पता है साइनोसाइडल कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट? यू नो दैट. ये कहां से कहां के बीच में होता है? -1 से +1 के बीच में होता है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट? ये वैल्यू 1 कहां पहुंचती है? पाई बाई 2 पे. ठीक है, -1 कब पहुंचती है? -π/2 पे. और ये -1 से +1 के बीच में होता है. डोमेन क्या होता है? एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज द डोमेन, राइट? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज द डोमेन. ठीक है, इधर एक्स कितना, इधर एक्स कितना है, तो आपको पता है ये एक्स आगे चलता जाएगा. दिस विल कंटिन्यू एंड दैट इज व्हाई द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. वेयर एज रेंज, वाई जहां से जहां तक है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं. तो वाई कहां से कहां तक है? -1 से +1. दैट इज व्हाई वी से दैट द रेंज इज -1 to +1. ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, विच इज व्हाट? विच इज द क्लोज्ड ब्रैकेट. ठीक है, दैट सिंपली मींस दैट द लिमिट्स आर इंक्लूडेड. सिमिलरली कॉस एक्स भी आप जानते हैं, कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक है? -1 से +1.
ठीक है, tan x all real numbers, अगर आप tan का ग्राफ कभी चेक कर रखे हो राइट, तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस राइट, और अगर आप यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो और एक लाइन इधर ड्रॉ करो जिसमें बीच बीच में मैं डॉट्स लगा देता हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट है राइट, ये जो लाइन है आपके पास, दिस लाइन इज, दिस पॉइंट इज पाई बाई टू कॉमा जीरो एंड दिस इज डेफिनेटली माइनस पाई बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है, दिस इज माइनस पाई बाई टू कॉमा जीरो. तो टैन का जो ग्राफ होता है, जैसे हम लोग पाई बाई टू की तरफ बढ़ते हैं, इट मूव्स टू इंफिनिटी राइट, एंड व्हेन वी अप्रोच टू माइनस पाई बाई टू इट गोज टू माइनस इंफिनिटी राइट. दिस पार्टिकुलर येलो डॉटेड लाइन, दिस इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट राइट, देयर इज अ टर्म फॉर दिस एसिम्प्टोट, एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट एसिम्प्टोट इज नथिंग बट इट इज अ टेंजेंट एट इंफिनिटी. That means tangent क्या होता है? Tangent एक ऐसा curve होता है. Infinity, asymptote. हाँ, one of you is using your mic. I'll just turn off that. ठीक है? So this yellow line, this one as well as this one, all of them are what? They're asymptotes. ठीक है? So any straight line can be a tangent when it touches the curve at one point, right? And when the tangent touches the curve at infinity or minus infinity, it is called an asymptote. ठीक है? तो ये जो लाइंस है ये एसिम्प्टोट्स हैं. तो ये आपका जो आपका tan x है, y is equal to tan x, ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ ऐसा है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें y की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? ऑल रियल नंबर्स राइट, दैट इज why tan x हमारा रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर राइट, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सेम अप्लाइज टू cot x, ठीक है, सेम अप्लाइज टू cot x. अगर मैं cosec x की बात करूं तो इसको समझने में मैंने देखा है कई बार थोड़ी सी परेशानी, अगर आपने 11 में ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी, अदरवाइज आपको फटाफट समझ में आएगी. जैसे मैं अगर तुमसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहेगी, इसको ऐसे समझना, ठीक है, x की वैल्यू अगर माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगी तो वन अपॉन x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो ये हमें समझना पड़ेगा बेटा कि वन अपॉन x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के वन तक होगी, यूनियन सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक होगी, ठीक है, यूनियन वन से लेके इंफिनिटी तक होगी, ठीक है. आप में से अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रखा है और यहाँ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रखते हैं. दैट मीन्स इसमें ये जो आप हमारा कोसेक एक्स है राइट, कोसेक एक्स में हमें इस बात का ध्यान देना है कि कोसेक एक्स जो है वो माइनस वन से प्लस वन नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा राइट. क्यों? एक्स अगर माइनस वन से प्लस वन है तो वन बाई एक्स माइनस वन से प्लस वन कभी भी नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा. इसको वेरीफाई करना बहुत इजी है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से यू टेक माइनस पॉइंट फाइव राइट, अगर तुमने एक्स वैल्यू माइनस पॉइंट फाइव ली है तो वन बाई एक्स कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी माइनस वन अपॉन पॉइंट फाइव एंड पॉइंट फाइव इज वन बाई टू, सो वन बाई टू, सो दैट वुड बी नथिंग बट माइनस टू. I hope you understand that this minus 2 lies where? Between minus infinity to minus 1. Okay? If you take a smaller value, let's say you take 0.1. You take minus 0.1. X is minus 0.1. If X is minus 0.1, what is 1 by X? That is going to be minus 10. Okay? जैसे जैसे हम X की value छोटी करते जाएंगे, 1 by X की value बड़ी होती चली जाएगी. अगर negative में लेंगे, तो negative में बड़ी होगी. और अगर positive में छोटी करेंगे, तो वो positive में बड़ी होती जाएगी. Okay? इसीलिए हमारे पास sec X और cosec X, इसमें हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, दैट द रेंज इज एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन. ठीक है, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन. ठीक है, तो ये वाली चीज आओ थोड़ा सा बेहतर हैंडराइटिंग में मैंने टाइप कर दी थी, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इन केस यू वांट राइट. चलो अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ. यहां तक आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इन केस एनीवन हैज एनी डाउट, ही और शी कैन रेज हैंड और दे कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो टिल दिस पॉइंट वी हैव लर्नड ओनली अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने देखा. ये सब चीजें आपने क्लास 11 में पढ़ रखी हैं, बट यस, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को इन डेप्थ समझ सको. आओ आगे बढ़ते हैं.
लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है फंक्शंस का, वहां हमने पढ़ा था कि इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब भाई, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं ये सजेस्ट करूंगा आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इसका बेसिक वीडियो अपलोड कर रखा है, राइट। अगर आपको लिंक नहीं पता है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर काइंडली शेयर द लिंक ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है बेटा, इट शुड बी अ वन वन फंक्शन, राइट, एंड इट शुड बी एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। फटाफट से एक ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ। वन वन का मतलब होता है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए एक ही एफ एक्स होना चाहिए, राइट, एक्स की एक वैल्यू के लिए एक ही एफ एक्स होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ बेटा, तो साइन एक्स जो है वो वन वन फंक्शन नहीं है, वो कौन सा फंक्शन है, वो मेनी वन फंक्शन है। यानी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम वैल्यू रिपीट होती है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, साइन ऑफ पाई बाई थ्री, राइट, कितना होता है बच्चों, साइन ऑफ पाई बाई थ्री इज दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इट इज रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। साइन ऑफ पाई बाई थ्री इज रूट थ्री अपॉन टू। नाउ वुड इट बी करेक्ट इफ आई से दैट साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री इज अगेन द सेम वैल्यू इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग दैट साइन इज पॉजिटिव, राइट। ये अगर देखोगे तो ये साइन 2π/3 हो जाएगा, एंड आई विल अगेन से दैट साइन ऑफ 2π + π/3, वहां पे भी ये वैल्यू रिपीट होगी। हमारे पास डिफरेंट एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। बट वी अंडरस्टैंड दैट ऑफ इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मींस उसका वन वन होना भी जरूरी है और ऑन टू होना भी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन तुम्हें लिख के देता हूं, या नीचे लिख रहा हूं, If I say that f is a function from real number to real number, where fx is equal to cos x. Now, is it a one-one function, children? No, it is not. Why? Because x की different values के लिए हमारे पास अलग अलग से cos x की same value आएगी। जैसे मैं अगर बोलूं कि cos of pi by 3 जितना होगा उतना ही cos of 2 pi by 3 होगा, उतना ही cos 2 pi plus pi by 3, यानी कितना हो जाएगा भाई, 8 pi by 3 भी उतना ही होगा, 7 pi by 3 उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि कभी भी ये जो है, अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन, तो ये फंक्शन अभी बाइजेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। बट अगर मैं इसको रीडिफाइन करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रीडिफाइन करूँ, मैं ये कह रहा हूँ एफ इज अ फंक्शन from a to b and fx is equal to cos x, where a is equal to 0 to pi and b is equal to minus 1 to plus 1. अब बेटा यहां पे हमने फंक्शन में एक चीज और पढ़ रखी है, राइट, कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनस है, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनस है तो वो हमेशा वन वन होगा, ठीक है। अब साइन कॉस में क्या है कि वो जो है वो अभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये कोई फंक्शन जो है मोनोटोनस, ये मोनोटोनस नहीं है और इसलिए वन वन नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी डोमेन चेक करूं, डोमेन बोल रहे हैं 0 से π, अच्छा भाई आओ देखते हैं, कॉस एक्स 0 π/2 और ये मैंने लिया पाई, ठीक है, ये मैंने लिया पाई बाई टू और ये मैंने लिया पाई, ठीक है। 0 पे इट इज 1, पाई पे इट इज व्हाट, 0, और जैसे जैसे सेकंड क्वाड्रेंट मूव करता है ये नीचे बढ़ता जाता है और निगेटिव, यहाँ पे कितना हो जाता है, -1। तो यहाँ अगर तुम देख रहे हो तो ये फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट इज अ मोनोटोनस फंक्शन, 0 से लेके π तक इट इज अ वन वन फंक्शन। और ऑन टू क्या होता है, whenever the range is equal to the given codomain, whenever the range is equal to the given codomain, it is always an on to function। तो यहाँ पे अब जो हमने redefine करा इस function को यहाँ पे, right? तो हमने b क्या लिया, set b is from -1 to +1। Now -1 to +1, are all the values achieved? Yes। So range is equal to the codomain and the given domain, the function is 1, 1, right? ये लगातार decreasing है। अगर मैं सिमिलरली सपोज करो यहाँ पे साइन एक्स की बात करता, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस एक्स की जगह पे साइन एक्स लेता बेटा, तो इस डेफिनेशन के लिए तो डेफिनेटली इट इज नॉट बाइजेक्टिव, दैट मींस ये इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे सोचूं
राइट तो अब डेफिनेटली हमें ए की जो डेफिनेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज जीरो से पाई में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव राइट आई होप यू रिमेम्बर दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रिपीट हो जाएगी है ना अगर तुम इसका ग्राफ भी याद करो जीरो से लेके पाई तक में तो कैसा हो रहा है जीरो से लेके पाई तक में ग्राफ ऐसे जा रहा है राइट पाई बाई टू पे यहाँ है तो जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे जहां पे भी अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो चीज कभी भी तुम्हारी वन वन फंक्शन नहीं हो सकती कीप इट वेरी सिंपल अगर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है या लगातार डिक्रीज हो रहा है तो वो वन वन है अदरवाइज नहीं है ठीक है तो ध्यान रखना हम लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमें एज इट इज क्या करना पड़ता है हमें उसके डोमेन और कोडोमेन को रीडिफाइन करना पड़ता है सो दैट द इनवर्स एग्जिस्ट ओके आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट अभी अभी हमने इसको पढ़ा था राइट आई सेड कि मैंने ये टाइप करके रख दिया है राइट और ये सारी चीजें हमने अभी एक्सप्लेन की थी लास्ट स्लाइड में यहां मैंने टाइप करके रख दिया सो दैट इट इज यू नो बेटर रेड बाय यू आपको बेहतर समझ में आए साइन एक्स का डोमेन क्या था ऑल रियल नंबर कॉस एक्स का भी सेम टेन एक्स का मैंने क्या बताया था कहां पे जहां डिफाइंड नहीं है टू एन प्लस वन पाई बाई टू है ना वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर राइट ठीक है या कई बार कुछ बुक्स में any natural number भी लिखते हैं both of them are absolutely correct as this is a bigger set so I prefer it ठीक है z is any day a bigger set than the set of natural numbers ठीक है cosec x भी आप अगर आप देखोगे r minus n pi ये सारी चीजें हमने अभी भी देखी हैं अब अगर मैं इसके inverse की बात कर रहा हूँ बेटा right तो आपको इतनी बात तो आपको मालूम है ना कि अगर मेरे पास कोई भी function है right कोई भी function है fx is equal to let's say x square plus 2 ठीक है और अगर मैं आपसे बोलूं बताओ f of 1 कितना हो रहा है तो आप बड़े आसानी से बोलोगे सर इट इज 3 राइट दैट मींस इस फंक्शन में मेरे पास एक जो टर्म है वो क्या है 1, 3 दैट मींस जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो मेरे पास उसका इमेज क्या आ रहा है इसको इमेज कहते हैं बेटा दिस इज द इमेज and this is the pre-image. One is the pre-image in this example and three is the image. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि f of one पे this is coming out to be three. ठीक है? This is coming out to be three. अब अगर मैं यहाँ पे f inverse की बात करूँ, तो f inverse, right? मतलब कुछ ऐसा function होना चाहिए कि अब जब मैं इसका output रखूँ, output कितना था? Three. तो मेरे पास input मिल जाना चाहिए one. ठीक है? Input मिल जाना चाहिए one. तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या डेफिनेटली है क्यों नहीं है अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं और इसके इनवर्स को लिखने की कोशिश करूं तो बड़े आसानी से हम लोगों को ये बात समझ में आएगी राइट इनवर्स लिखना हम लोगों ने सीख रखा है पहले ये कितना हो जाएगा भाई दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस टू राइट दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस टू यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पे अब मैं अगर एक्स की जगह पे थ्री रखूंगा चेक करो तो क्या मुझे वन मिल रहा है आउटपुट डेफिनेटली यस तो ये जो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका इनवर्स क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू तो एक बात तो क्लियर है कि डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है ठीक है लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए तो ये जो रेंज है बेटा ये सब क्या बन जाएंगे मेरे पास यहाँ पे डोमेन बन जाएंगे दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा दैट विल बी माइनस वन टू प्लस वन cos inverse x का कहां से होगा हमारे पास माइनस वन से प्लस वन tan inverse x what is the domain all real numbers cosec inverse x all real numbers except minus one to plus one please take care of this that minus one and plus one they are included and that is why I have used open brackets and sec inverse x का भी जो हमारा domain होगा वो as it is same आ जाता है cot inverse x का domain all real numbers ध्यान रखना कभी भी जो हम लोग inverse करते हैं अब देखो ये इनवर्स है क्या इनवर्स तो तुम्हारा एंगल है ना दिस इज थीटा राइट दिस इज थीटा अब जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं जैसे यहां थोड़ी स्पेस क्रिएट करता हूं ये नीचे वाली चीज ना मैं ये रेज कर रहा हूं ठीक है इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन एल्स द वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर यू राइट आई विल शेयर द लिंक ओवर व्हाट्सएप इफ यू गेट इट वेरी गुड इफ यू डोंट गेट इट जस्ट ड्रॉप अ मैसेज आई विल शेयर द लिंक टू यू देखो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि साइन एक्स is equal to let's say half और मैं आपसे कह रहा हूं कि tell me x की value कितनी होगी x belongs to what तो I think you would straight away say it is going to be pi by 6 or pi minus pi by 6 which is 5 pi by 6 दो जगह पे होगा ना और भी जगह पे होगा अभी आगे move करेंगे तो और भी अलग अलग quadrants पे same value repeat होगी
बट हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहली बार ये वैल्यू रिपीट होगी तो ये हमारे पास आएगा, एक आएगा पाई बाई सिक्स, दूसरा क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स विच इज फाइव पाई बाई सिक्स। एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके लिए साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ होगा, है ना, और डिफरेंट वैल्यूज भी होंगी जो हम लोग ये रेवोल्यूशन और ज्यादा अगर मूव करते जाएंगे। राइट, हमने एक पाई बाई सिक्स एंगल ड्रॉ किया, दिस इज 30 डिग्री, राइट, फाइव पाई बाई सिक्स इज वॉट that is pi minus pi by 6, but this angle would be pi by 6, and that, so this angle is what, this is 5 pi by 6, dono pe hamare paas jo sine ki value aa rahi itni aa rahi, ab fir agar main dekhu to 2 pi plus pi by 6 and so on, aise to fir bahut sare angles milte chale jayenge, lekin maine kya bola range, right, ye jo tumhare paas ye theta hai, ab agar main yahi pe aapse bolu, Govind just a moment, you have raised your hand, give me a moment, abhi aap puchna jo bhi puchna, agar main sine inverse 1 by 2 agar main yahi pe bolu तो इनवर्स फंक्शन में 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 बाई 6 आएगी, ठीक है, 5 बाई 6 आएगी, 5 बाई 6 आएगी क्या, डिपेंड करता है हमारे पास डोमेन और कोडोमेन में क्या दे रखा है, ठीक है, ये बात हमें देखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बेटा, यस गोविंद, यू हैड सम डाउट, टेल मी बेटा क्या था, यू कैन यूज योर माइक टू आस्क, यू कैन यूज योर माइक, यू कैन यूज द चैट बॉक्स, वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट रेज योर हैंड, सो इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। गोविंद, सर, हेलो सर, हाँ बोलो बेटा, सर बाय मिस्टेकली आई डिड इट, नो दैट्स ओके, नो इश्यूज, गो प्लीज गो म्यूट, ओके। सो यहां तक अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो मैं भी आपसे बात कर रहा था इसका रेंज क्या होना चाहिए। देखो ये बात तो समझ में आ गई कि वही वैल्यूज होनी चाहिए, अब यहाँ पे तो सारे के सारे रियल नंबर्स, यहाँ सारे रियल नंबर देंगे तो ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा ना। तो साइन, देखो साइन की वो वैल्यू लेंगे ऐसे माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, अगर आप साइन को चेक करो तो ऐसा होता है, राइट, इट इज इंक्रीजिंग, माइनस पाई बाई टू पे इट इज माइनस वन और प्लस पाई बाई टू पे इट इज प्लस वन। तो यहाँ पे हालांकि आप बोल सकते हो कि सर ये और भी जगह पे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, बिल्कुल सही होता है बेटा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू भी हम लोग दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, राइट, हम इतना ही नहीं और भी बहुत सारे इंटरवल्स ले सकते थे, कैन बी इनफाइनाइट इंटरवल्स जिसके बीच में इसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। बट ध्यान रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, प्री आर आई सी एन सी आई पी एल, प्रिंसिपल वैल्यू रखना, ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, राइट, जिसमें कि वो चीज सेटिस्फाइड होती है। तो ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जहां ये पूरी वैल्यू अटेन करता है, माइनस 1 से प्लस 1, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है, बोथ इंक्लूडेड। तो ये जो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स था उसको हमने छोटा कर दिया, राइट, लॉजिकली ये भी सही होता अगर मैं कहता पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मैंने एक चीज यहाँ पे क्या आपको डिफाइन की, प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू मैंने क्या बताया, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, राइट, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें कि हमारे पास डोमेन के सारे पॉइंट्स अचीव होंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स सिमिलरली तुम्हारा कहां से कहां तक में होगा बेटा, ये आपका जीरो से पाई के बीच में होगा, ठीक है। अब जो साइन का है वही कोसेक का कर लो, जो साइन का है वही कोसेक का कर लो, ठीक है, क्या कर लें इसको, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, जो साइन का है वही कोसेक का और वही टैन का, ठीक है। बस टैन में ये ध्यान देना कि पाई बाई टू पे और माइनस पाई बाई टू पे तुम्हें पता है कि टैन अनडिफाइंड होता है, तो उसका इनवर्स भी रेंज का पार्ट नहीं बनता। तो यहां जो मैंने क्लोज ब्रैकेट लिया है, इन द केस ऑफ टैन दैट विल बी ओपन ब्रैकेट, राइट, सो दैट विल बी माइनस पाई बाई टू टिल पाई बाई टू, ठीक है, यहां मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है, इसका ध्यान रखना। अगेन आई रिपीट, कैसे ध्यान रखोगे, जो रेंज साइन के लिए है मैंने उसी को टैन में रखा, उसी को कोसेक में रखा, पहली चीज। हाँ, एक चीज यहां तुम्हें ध्यान देना है कि यहां ये क्लोज ब्रैकेट है और यहां पे ये ओपन ब्रैकेट है, राइट, दिस इज ओपन ब्रैकेट। एक दूसरी चीज जो कोसेक में तुम्हें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है बेटा कि कोसेक इनवर्स में ये है तो ये क्लोज ब्रैकेट, बट क्या इसमें बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां ये अनडिफाइंड है? हाँ है ना, साइन हमारा जीरो कब होता है, जीरो पे, तो कोसेक उसका अपोजिट है, तो कोसेक क्या जीरो पे डिफाइंड होगा? नहीं। तो ये ध्यान रखना, साइन के लिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, बिल्कुल सही, राइट, साइन इनवर्स एक्स के लिए।
tan इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 बिल्कुल सही, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, यानी कि जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड. Whereas in the case of cosec inverse x, it is minus pi by 2 to plus pi by 2 except 0. Why? Because at 0, it is undefined. Similarly, cos ke liye 0 se pi hai. Sec ke liye bhi 0 se pi hoga, beta. Right? 0 se pi hoga. Aur cot ke liye bhi 0 se pi hoga. Again, agar aap dhyan de rahe hain, to yahan pe closed bracket hai, yahan cot mein open bracket hai. Why? Because aapko malum hai ki cot is undefined at integral multiples of pi. ठीक है, तो उसका इनवर्स वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट रखा है. सिमिलरली sec, क्या बीच में ऐसी कोई जगह है जहां पे cos 0 होता है? cos, cos कहां पे 0 होता है बेटा? pi by 2 पे. ठीक है, cos कहां पे 0 होता है? pi by 2 पे. तो sec वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाती हैं. ठीक है, मैंने इसको भी आपके लिए लिख दिया था, टाइप कर दिया था. अभी ये समझाने के लिए मैंने आपको हर चीज बता के बताई, इसका मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने ये कंप्लीटली टाइप कर दिया था, सो दैट यू हैव complete thing with you. If you want to take a screenshot, you can. Right? You can take the screenshot of this. This would be useful for you. And believe me, agar tumhe ye baatein samajh mein aayi hain, to tum bahut achhe questions, right? Maine kuch bahut achhe questions abhi select kiye hain. IIT advanced level tak ke questions, right? From RD Sharma till IIT advanced level tak ke questions mere paas abhi hain. Theek hai? Jo main aapke saath one by one discuss karunga. तो ये वाली जो सारी चीजें हैं जो हमने अभी पिछले 40 मिनट में 35 मिनट में जो डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क. राइट अक्षित, यू हैव सम डाउट बेटा? प्लीज यूज योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज योर डाउट. सो टैन वाला समझ में नहीं आया, टैन इनवर्स. टैन इनवर्स समझ में नहीं आया? अच्छा, नो इश्यूज. देखो मैं ग्राफ से समझा दिए, ग्राफ से समझा देते हैं. देखो एक बात तो पक्की है ना, कि अगर tan x मेरे पास जो भी यहाँ पे डोमेन है, जो भी यहाँ पे रेंज है, वो एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में. ये बात तो समझ में आती है आपको, राइट? और तो ये रेंज तो एज इट इज हमारे पास डोमेन बन गया. अब यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यूज डोमेन के क्यों ले रहे हैं? बिकॉज फिर वो आपका वन वन नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ वो वैल्यूज ले रहे हैं जहां पे वो वन वन होना चाहिए. तो या तो इंक्रीजिंग लेंगे या डिक्रीजिंग लेंगे. और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग लेते हैं. ठीक है, यहाँ तो जैसे आओ इसका ग्राफ बता देता हूँ tan का. मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूँ, हालांकि क्वेश्चन से कोई बात नहीं. देखो tan का ये ग्राफ देख लो. tan का जो ग्राफ होता है बेटा, tan का ये आप एक SM लाइन खींच लो इसको ऐसे डॉटेड. मैं पहले tan की बात कर रहा हूँ, मैं tan इनवर्स की बात यहीं से करूंगा. ठीक है, हर चीज को प्रीवियस नॉलेज से अगर रिलेट करते हुए चलोगे तो डेट वुड बी रियली गुड. राइट, कहीं कोई बीच में गैप आता है तो प्रॉब्लम आती है. ये माइनस पाई बाई टू कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट. टैन आपका आपको मालूम है ये कुछ ऐसा सा होता है. राइट, दिस इज योर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन एक्स. राइट, इनवर्स के बारे में हम लोगों ने इतनी बात पढ़ रखी है कि किसी भी फंक्शन का जब हम लोग इनवर्स ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन y इज इक्वल टू x लेते हैं. राइट, एक लाइन क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू x लेते हैं. ठीक है, ये मैंने एक लाइन ली y इज इक्वल टू x. ठीक है, तो y इज इक्वल टू x जो हम लोग लाइन, बिकॉज मैंने फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ किया है तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ तुम समझ जाओगे. ठीक है, तो y इज इक्वल टू x जो हम लोग ग्राफ लेते हैं तो उसका इनवर्स क्या होता है, उसका जो मिरर इमेज होता है किस लाइन के अलोंग, y इज इक्वल टू x के अलोंग, वही उसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है. ये बात हमने इनवर्स में पढ़ रखी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है. दोज़ हु हैव मिस्ड इट प्लीज वॉच इट. ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे कि कभी भी कोई भी इनवर्स फंक्शन होता है तो क्या होता है, जो हमारा मेन ग्राफ है उसका इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स पे ले लो. और वाई इक्वल टू एक्स पे तुम्हें सपोज करो, एक और तुम्हें बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, ध्यान रखना कॉम्पिटिशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे पास अगर कोई भी पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और अगर तुमसे बोला गया फाइंड द इमेज ऑफ x1 कॉमा y1, राइट, व्हिच इज ड्रॉन बाय पुटिंग अ मिरर एट y इज इक्वल टू x. अगर y इज इक्वल टू x एक मिरर है और आपसे बोला गया बताओ a x1 कॉमा y1 इसका इमेज क्या होगा, तो आप स्ट्रेट अवे बोलोगे इट इज y1 कॉमा x1. सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं बेटा, ओनली द कोऑर्डिनेट्स चेंज, दैट्स ऑल. यानी अगर मैं इस फंक्शन का अगर मैं इनवर्स का बनाऊंगा तो ये जो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है इनवर्स कैसा जाएगा बेटा, नीचे की तरफ जाएगा. ये जो यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है ये किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. और समझने की बात ये है कि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है, अब यहाँ पे x देखो कहां तक जाएगा, ये x चलता चला जाएगा. राइट,
ये वैल्यू आगे बिकॉज ये ऊपर चलती चली जा रही है तो ये भी ऐसे चलती चली जाएगी, और ये वैल्यू भी तुम्हारी ऐसे नहीं चलती चली जा रही है तो ये वैल्यू भी यहाँ पे ऐसे चलती चली जाएगी। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, व्हेन वी टॉक ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। तो x की वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट हमारे पास 0, π/2 था, अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, दिस पॉइंट विल बिकम, ये π/2, 0 था तो इसका इमेज यहाँ पे क्या आएगा, 0, π/2, the x1 and y1 they interchange exactly. Similarly, ये पॉइंट मेरे पास था, दिस पॉइंट, राइट, ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, दिस पॉइंट इज देयर, ठीक है, ये हमारे पास -π/2, 0 था तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0, -π/2। y जहां से जहां तक होता है वही तो रेंज होती है अक्षित, राइट। तो y कहां से कहां तक है तुम्हारा, और ये ध्यान से देखो यहाँ पे तुम्हारा ये लगातार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन की बात करूं तो ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, दिस कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर, -π/2 to +π/2। π/2 और -π/2 को मैं क्लोज ब्रैकेट में क्यों नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज एट दैट एज दोज वैल्यूज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, एट -π/2 इट इज -∞, एट π/2 इट इज +∞। ठीक है अक्षित, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, दैट इज फाइन। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस टू गो, राइट। तो ये हमने पहले ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करा था और फिर हमने देखा कि जो रेंज है यहाँ पे वो तो एज इट इज यहाँ पे डोमेन बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ का जो रेंज है वो डेफिनेटली इसी डोमेन से बना है, बट क्योंकि हमें 1-1 रखना है, इंजेक्टिव रखना है, 1-1 इज व्हाट, इंजेक्टिव, तो हमने अकॉर्डिंगली इसको ध्यान दिया कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। यहाँ कुछ मैंने नोट लिखा है, ये भी ध्यान से देख लो, ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो कुछ अच्छे बच्चे भी कर देते हैं। द सिंबल साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स रेज टू द पावर -1। बेटा साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये क्या है, ये कोई भी तुम्हारा एंगल होता है, राइट, दिस इज एनी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल। Whereas ये जो तुम्हारा sin x raised to the power -1 है, I hope you understand it is nothing but 1/sin x, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, don't get confused between them. In fact, sin inverse x is an angle and the value of sin is x, ठीक है, similarly for other trigonometric functions, बाकी trigonometric functions में भी ये बात आप ध्यान रखेंगे। The smallest numerical value, ये वाली बात मैंने आपको अभी बताई थी, the smallest numerical value either positive or negative is called the principal value of the function, isi ko hum log principal value kehte hain, right, sin inverse x is function ki value kitni hai, sin inverse x, that is the value, range kya hoti hai, function ki value hoti hai, range is what, range is the value of the function, theek hai, jo smallest value hoti hai usi ko hum log principal value kehte hain। हाँ, यहाँ पे आप अगर किसी कंपटीशन के क्वेश्चन को देखोगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो आपसे एंगल या फिर जो रेंज पूछेंगे वो इसी के अंदर पूछेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो द रेंज इज नॉट नेसेसरीली दिस, रिमेंबर इट बेटा, रिमेंबर इट, दिस नॉट नेसेसरीली दिस, दैट इज द रेंज, दैट इज द प्रिंसिपल रेंज, और यू कैन से द प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती है। जैसे अगर तुमसे मैं बोल दूं कि बताओ साइन इनवर्स एक्स is equal to -2 sine inverse x is equal to 1/2, what is the value of x if x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant, ठीक है, अगर इन्होंने बोल दिया third quadrant में है तो ये क्या होगा, अब -π/2 से +π/2 तो third quadrant में नहीं है ना बेटा, -π/2 से लेके 0 कहाँ है, fourth quadrant में, और 0 से π/2 कहाँ पे, first quadrant में। तो क्वाइट ऑब्वियस अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक्स वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट की बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा -1/2 कब होता है। देखो इस बात को भी मैं समझाऊंगा, क्या लिया था मैंने, मैंने ये लिया था दैट साइन इनवर्स एक्स, राइट, सॉरी साइन इनवर्स एक्स लिया था, क्या लिया था, हाँ ये मैंने ये गलत ले लिया, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। देखो ये हमें लेना चाहिए था साइन इनवर्स -1/2 is equal to what, ठीक है, sin inverse -1/2 is equal to what, तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा बेटा कि sin x is equal to -1/2 कब होता है, और इन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बताई है that x is where, x is in the third quadrant, x हमारा third quadrant में है, ठीक है। अब x अगर हमारा third quadrant में है, मैं देखो मैं इस चीज को सोचता कैसे हूं, ऐसे देखो मैंने कभी भी कोई चीज रटा नहीं है बेटा, राइट, इसीलिए शायद मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे हैं मैथ्स में। तो अब ये देखिए
मैं यहां से सोचता हूं राइट तो बता रहा हूं सोचने का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आंसर तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा बट हां सोचने का प्रोसेस हमेशा ये रखता हूं कि अगर x अगर ये माइनस नहीं सिर्फ प्लस होता तो हाफ होता और अगर ये हाफ होता तो साइन हाफ कितने एंगल में बनता है साइन हाफ बनता है मेरा पाई बाई सिक्स पे राइट जनरली मैंने देखा है बच्चे डिग्रीज में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेडियन में कम कंफर्टेबल होते हैं बट मैं बार बार ये कहूंगा आपको कि आप रेडियन में अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ ट्वेल्थ में सिर्फ रेडियंस ही मिलेंगे तुम्हें डिग्रीज नहीं मिलने वाली डिग्रीज हैव बीन लेफ्ट लोअर क्लास में आपने डिग्री को छोड़ दिया उसको छोड़ो मूव ऑन टू रेडियंस एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट जस्ट दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल यूजिंग ऑल दैट ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू ऑल दैट ठीक है तो यहाँ पे हमने जो है एंगल हमने देखा एंगल कितना आ गया एंगल आ गया हमारे पास पाई बाई सिक्स ठीक है अब ये कब हुआ जब ये प्लस होता अब ये नेगेटिव में है बेटा अगर नेगेटिव में है तो ये पाई बाई सिक्स या तो मेरे पास ये होता माइनस पाई बाई सिक्स तो भी नेगेटिव आ जाता या फिर ये वाला एंगल भी अगर मेरे पास पाई बाई सिक्स होगा तो भी आ जाएगा लेकिन एंगल हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के रेफरेंस पे लेते हैं तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट कह रहे हैं तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा फाइनल आंसर होगा मेरा पाई प्लस पाई बाई सिक्स विच इज 7π/6 सो फॉर दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 7π/6 विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट कहा है ठीक है आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि जैसे सर आपने ये वाला एंगल लिया आप लोग आप अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमे क्या हम लोग कभी इसमें क्लॉकवाइज घूम के भी एंगल ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है या फिर व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ठीक है ये ध्यान रखना बट यस ऑलवेज रिमेंबर अंटिल एंड अनलेस दे हैव नॉट स्टेटेड दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस क्वाड्रेंट यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू व्हिच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू यू विल ऑलवेज टेक दीज वैल्यूज ध्यान रखना बेटा जब तक उन्होंने स्ट्रेट अवे नहीं बोल रखा है कि एक्स यहां से होगा आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही लेंगे ध्यान रखिएगा इस बात को इफ इट इज ओके लेट मी सी योर हैंड्स प्लीज फास्ट फटाफट से हैंड रेज करके बताओ कि हाँ अभी तक चीजें समझ में आ रही है देन आई विल मूव अहेड फास्टर चिल्ड्रेन श्रेयांश प्राची प्राची इज अ न्यू गर्ल शी हैज ज्वाइंड वेरी लेट Okay, that's fine. Anyways, who have joined late, the good thing is that I'm recording this class. So this will be there on the YouTube and I'll share the link with you. Okay, in case I forget to share the link, please don't hesitate in dropping a message. Okay, ek message drop kar dena, toh main tumhe link individually bhej dunga. Dekho bhai, aao, jo cheez padha hai, usko kuch questions ke form mein apply karte hain. Let us see this. Right, I've started with some easy questions and gradually we'll definitely move on to better questions as we do. Okay. तो एक क्वेश्चन लिया मैंने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट √3/2 ठीक है अब हमें एक्चुअली जो निकालना है वो निकालना है कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बोला ध्यान रखनी होगी तो कॉस की कहां तक है जीरो से लेके पाई तक अब सिर्फ ये देखना है कि ये जीरो से लेके पाई के बीच में ये कहां पे इतना आता है राइट कहां पे इतना आता है भाई ये आपका आता है 30 degrees या फिर कह लो क्या पाई बाई सिक्स इसका आंसर क्या दोगे पाई बाई सिक्स ठीक है दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एल्स आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस वुड इंक्रीज ठीक है तो अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज डॉट हेजिटेट इन आस्किंग योर डाउट क्योंकि तुम्हें आगे फिर धीरे धीरे समझ में आने में परेशानी होगी अगर तुम्हें लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है आप कुछ नहीं पूछ रहे हो तो आई एज्यूम कि आपको समझ में आ रहा है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ठीक है So please make sure that you are understanding that. Okay. Chalo. Aiye dekhte hain is value ko. Let us see. This is tan inverse sine of minus pi by 2. Okay. So principal value hume malum hai, right? Tan ki kahan se kahan tak thi? Jaise hi question aata na, maine tumse baar baar kaha kya ki ye jo है ना चीज ये चीज तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ रटना ही नहीं इसको समझना और इसको ध्यान रखना ये तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ आईटीएफ देन दिस वन दिस पार्ट द सेकंड पार्ट राइट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा हर जगह आगे भी अच्छे क्वेश्चन में भी तुम इसको यूज करोगे राइट इवन इन द बेस्ट वंस देखिए ये हमने कर लिया था यहाँ पे अब tan inverse है तो एक बात तो बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि इसका आंसर ओपन ब्रैकेट में
माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है बेटा, साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, ठीक है। साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, यानी ये बना मेरे पास टेन इनवर्स माइनस वन, ठीक है। टेन इनवर्स अगर वन होता तो हमें मालूम है कि टेन थीटा वन कहां पे होता है, इट इज एट पाई बाई फोर, बट ये माइनस वन है तो माइनस वन कहां पे होगा, माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। श्रेयांश ने आंसर बता दिया माइनस पाई बाई फोर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो दैट वाज अनदर इजी क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने अभी अभी तुम्हें बताया भी है, लेकिन हाँ इनकेस अगर एक ग्राफ और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो किसका ले लें, इस बार ऐसा करते हैं हमने साइन एक्स का लिया था क्या, टैन का लिया था शायद, चलो इस बार साइन का लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको पता है हमें कहाँ से कहाँ चेक करूंगा, माइनस पाई से प्लस पाई चेक करूंगा, बल्कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू पे इसको चेक करूंगा, ठीक है। I'll check it here. तो माइनस पाई बाई टू पे इट इज माइनस वन और यहाँ पे इट इज प्लस वन, ठीक है। ऐसे ये इंक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर इन केस मैं इसका इनवर्स का ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो मुझे थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए ये देख के कि इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x, मैं कोई लाइन खींचूंगा, right, y is equal to x is a line like this, right, which is at angle of what, 45 degree, the slope of the line is what, 1, tan 45 is 1, slope is 1, ठीक है। तो अगर मैं इसके along ये line draw कर रहा हूँ, तो इसका जो mirror image होगा वही तो होगा बेटा। अब इसका mirror image, इसका इस वाले part का mirror image कैसा होगा, इधर की तरफ जाएगा, और इस वाले part का किधर को, किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं y is equal to sin inverse x का graph अगर देखता हूँ, तो ये कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है, that is how it will go. Similarly, you can do it for any function, ठीक है, आइए देखते हैं what sort of questions do we have. जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा, जैसे जैसे मैंने कहा आगे हम लोग बढ़ेंगे आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन हर बार थोड़ा सा बेटर होता जाएगा एवरी टाइम। अब देखो इसको सोचने का प्रोसेस क्या होगा, राइट, द थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। अगर आप क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को करना एक बात है और क्वेश्चन को इफेक्टिवली करना अलग बात है। क्वेश्चन को इफेक्टिवली वही बच्चे कर पाते हैं जिनका थॉट प्रोसेस और फंडामेंटल्स बड़े क्लियर होते हैं, ठीक है। उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए मैं उस पर ध्यान दूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन बताने की बजाय आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए इस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाई टू, जैसे ही मैं कॉस इनवर्स देखता हूँ मुझे समझ में आता है कि इसकी वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होगी। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज दिस, राइट, ओके। अब जीरो से पाई के बीच में होगी, अगर ये रूट थ्री बाई टू होता, अगर ये माइनस नहीं सिर्फ cos inverse root 3 by 2 होता, तो मुझे समझ में आता है ये वैल्यू कहां पे आती है, पाई बाई 6 पे। लेकिन यहां पे माइनस है तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये वाला एंगल पाई बाई 6 है। हम लोग एंगल कौन सा मेजर करते हैं, दिस वन, राइट, ये जो मैं आपको येलो से बता रहा हूं, दिस वन, राइट, दिस इज द एंगल दैट वी मेजर। तो ये एंगल अगर पाई बाई 6 है तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड एंगल है माइनस रूट 3 बाई 2 पे बेटा वो कितना होगा, दैट इज पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये जो वैल्यू है दिस इज व्हाट, दिस इज पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अगर मैं टोटल वैल्यूज देखूं तो मेरे पास कितना आ गया, टेन ऑफ पाई बाई थ्री। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या ये फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा, यस फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ रहा है, सिक्स इज द एलसीएम, दिस इज टू एंड दिस इज सेवन, इट्स कमिंग आउट टू बी सेवन पाई बाई सिक्स। एंड आई होप ऑल ऑफ अस आर वेरी क्लियर that tan 7 pi by 6 can be written as pi plus pi by 6. Again, in class 11 trigonometry, you know that tan of pi plus theta is nothing but tan theta. And let us not forget this angle is in the first quadrant, say third quadrant, right? Pi plus theta is where? There is in the third quadrant. So, ye tan yahan pe kya hota? ASTC, right? All positive, sine positive, tan positive, cos positive. Yahan pe ye positive aane wala hai. तो tan pi by 6, tan pi by 6 पे वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, आई थिंक दैट इज 1 अपॉन रूट 3। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 1 अपॉन रूट 3। फास्टली शो मी योर हैंड्स बिफोर आई मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास, फटाफट से हाथ वगैरह बताओ, शो मी योर हैंड्स बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शनीश आई कैन नॉट सी योर हैंड अप,
Okay. ओके प्राची इज लेट सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया होगा अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है दैट मींस यू हैव गॉट सम साउंड बेसिक्स ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डोमेन अभी तक देखो वैल्यूज निकाल रहे थे अब थोड़ा डिफरेंट है ना हर एस्पेक्ट से आपको देखना है समझना है सीखना है अब यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ डोमेन निकालना है यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ठीक है आई गिव यू 1 मिनट टाइम ट्राई इट Let me remind you, कभी भी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी भी अंडर रूट के अंदर आता है तो उसका डोमेन निकालने का प्रोसेस ये होता है कि उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं ठीक है ट्राई करके देखो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टाइम देता हूँ फटाफट ट्राई करो प्लीज ट्राई Anyone with the answer? You can use your mic or you can type. Minus pi by 2 से pi by 4. देखो बेटा sin inverse x है. अच्छा sorry sir. तो तुम्हें x की value बतानी है. Domain का मतलब हो गया x की value बतानी है ना? तो कभी भी वो pi में तो होगा नहीं. वो values होंगी. और ये बात भी पक्की है कि sin inverse है तो minus 1 से plus 1 ही होता है ना? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कर रहे थे? Sin inverse x की value निकाल रहे थे. sin inverse 1 by 2, sin inverse root 3 by 2. अब क्या कर रहे हैं हम लोग sin inverse x, अब हम लोग उसका domain निकाल. Domain is what? The, all the possible values of x. So it can never be in degrees, beta. It can never be in radians. It has to be a value, anything between minus 1 to plus 1. इतनी बात तो fixed है. Okay, enough time. You can see, time देने का purpose ये नहीं था कि आपसे answer आ जाएगा. आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती. बट टाइम देने का पर्पस ये था कि आप ये देखो कि आपका जो लाइन ऑफ थिंकिंग है और जो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है वो मैच कर रहा है कि नहीं अगर तो नहीं कर रहा है हाँ बोलो 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 तो माइनस वन से वन बाय रूट टू शाबाश बिल्कुल सही माइनस वन से लेके वन अपॉन रूट टू इज बिल्कुल सही शाबाश वॉज डेट अक्षित यस सर ओके शाबाश बेटा बहुत बढ़िया देखो भाई कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं तो मैंने बोला कि जो भी अंडर रूट के अंदर है वो वाली चीज कभी भी जीरो और उससे बड़ी होगी इतनी बात तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग जानते हैं ठीक है पाई बाय फोर माइनस साइन इनवर्स एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इस माइनस पाई बाय फोर को इधर लेके जाते हैं राइट और हमारे पास आया क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स is greater than equal to minus pi by 4 and I am sure that you have done that in inequality class 11th that whenever there is a minus sign and you multiply with minus sign both the sides the sign of the inequality reverses ye jo aapka greater than equal to hai ye kya ho jayega less than equal to ho jayega theek hai sin inverse x is less than equal to what it is pi by 2 theek hai pi by 2 se bada hi hoga acha ab baat aati hai ki ye x ki jo value hai ये जो x की वैल्यू है ये हमें देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगी ठीक है हमने पाई बाई फोर से लेके माइनस इनवर्स x तक देख लिया ओके अब हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक होगी तो हमने दोनों तरफ इसको साइन साइन ले लिया राइट अगर मैं साइन लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है अगर मैं साइन लेता हूँ तो मुझे ये मिलता है दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x is less than equal to sine of pi by 2 ठीक है अच्छा यहाँ पे हम लोग कुछ मिस तो नहीं कर रहे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ हम लोग सर pi by 4 आएगा उधर pi by 2 की जगह हाँ वही मुझे लगा कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो pi by 4 आएगा बेटा so this is pi by 4 right यहाँ pi by 4 था ना ये pi by 2 आ गया right अभी pi by 4 हमने ठीक कर लिया तो is absolutely fine अब ये जो चीज आ रही है बेटा ये तुम्हारे पास साइन और साइन इनवर्स दो फंक्शन हमेशा क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं राइट ये ध्यान रखना अगर कभी भी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स होगा ठीक है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स होगा सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड दिस एक्स लाइज इन द डोमेन ध्यान रखना इस बात को इट लाइज इन द डोमेन ठीक है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स व्हेनेवर इट इज इन द डोमेन ठीक है तो यहाँ पे
अगर मैं ये देख रहा हूँ तो ये कितना हो गया, x हो गया, राइट right? और ये साइन पाई बाय फोर कितना होता है बेटा, इट इज वन बाई रूट टू, राइट, इट इज वन बाई रूट टू। और एक चीज और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारी जो वैल्यू है, राइट right? ये जो हमारी वैल्यू है, ये इसकी हमने एक बात देखा कि ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है। ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है। साइन इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन इनवर्स जो एक्स है हमारा, ये साइन इनवर्स एक्स हमारा ये वन बाई रूट टू से तो छोटा ही होगा, वन बाई रूट टू से छोटा होगा, लेकिन मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, क्या ये कैन आई से इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल वन बाई रूट टू, कैन आई से दैट? डेफिनेटली नो। वाई? बिकॉज एक्स साइन इनवर्स एक्स है, राइट, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा इसमें जो एक्स होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है। तो एक चीज तो हमें यहां से पता लग गई, क्या कि x की वैल्यू 1 बाई रूट टू से छोटी होगी। अब 1 बाई रूट टू से छोटी होगी तो क्या सब कुछ ही होगी? नो, डेफिनेटली नो। कहां से कहां तक होगी? माइनस वन से 1 बाई रूट टू के बीच में होगी। एंड हेंस व्हाट इज द आंसर? माइनस वन से लेके 1 बाई रूट टू। आई होप इट इज क्लियर। लेट मी सी द हैंड्स इफ इट इज क्लियर चिल्ड्रन। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलो भाई एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से देखो जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए क्वेश्चन दे दें जरा पहले हैं। चलो भाई जरा करके बताओ द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू दिस, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू दिस, टैन इनवर्स एक्स एक्स प्लस वन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें कितने ऐसे एक्स के वैल्यूज हैं जो इसके रियल सॉल्यूशंस हैं? इमेजिनरी सॉल्यूशंस नॉट अलाउड, ध्यान रखना। That's again a very very good question. Screenshot ले लो इसका, और एक और question दे रहा हूँ इसका भी screenshot ले लो। Question number 6. ये दो आपके homework रहेंगे। हम कल की class इसी point से start करेंगे, ठीक है? कल की class हम इसी point से start करेंगे। अगर आप अपनी RD शर्मा book open करोगे, तो exercise 4.1 से लेकर के 4.6 तक के basics हम लोगों ने आज cover किए हैं, और उनके क्वेश्चंस आप स्ट्रेट अवे कर सकते हो। कल की क्लास में हमारा फोकस ज्यादा क्वेश्चंस करने पे होगा, ठीक है? विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन टुमारोज़ क्लास। कल मैं बेसिक्स कुछ खास नहीं कराऊंगा, कल पहले ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पे आएंगे, यानी परसों की जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भाई देखो इस क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई विल साइन आउट एंड देन विल मीट टुमारो विद सम गुड क्वेश्चंस। मैंने आपको सिर्फ दो होमवर्क दिया है, दिस वन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दिस वन, ठीक है? जस्ट टू होमवर्क फ्रॉम माय साइड, अपार्ट फ्रॉम आप अपने एंड से आरडी शर्मा के 4.1 से 4.6 तक के क्वेश्चंस दे सकते हो। जो आपका ऑफिशियल ग्रुप चल रहा है लाइव क्लास का, मैंने उस पर ऑलरेडी स्कैन कॉपी भेज दी है। फॉर दोज ऑफ यू जो लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं ले पाए हैं, मैंने उनको स्कैन कॉपी भेज दी है। किसी और को भी अगर चाहिए मुझे एक रिक्वेस्ट भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें भी स्कैन कॉपी भेज दूंगा। ओके, so last question for today and then we start tomorrow's class with those questions that I have given you as the homework. dekh lo bhai isme sabse pehli cheez abhishek hame ye samajhni thi ki ye jo under root ke andar hai that has to be greater than 0. koi bhi function agar under root ke andar hai that should be greater than equal to 0, because negative mein aapke paas wo value kya hoti hai, imaginary hoti hai, theek hai? to pehli cheez hum kahan se shuru kar rahe hain ki minus pi by 4 sin inverse x, this is greater than equal to 0, ठीक है? अगर आप इस पाई बाय फोर को उठा के इधर राइट साइड पे ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय फोर। आपको मालूम है किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन है मेरे पास, अब ये इधर चला गया ना राइट साइड पे, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है? अब मैंने इधर दोनों तरफ में साइन ले लिया, ठीक है, साइन ले लिया, तो ये क्या बना मेरे पास? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट एक्स, एंड साइन इनवर्स पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2। तो दे आर टेलिंग अस दैट एक्स इज लेस देन 1 बाय रूट 2, यानी एक्स की सारी वैल्यू 1 बाय रूट 2 से छोटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान दी, राइट, हमने यहाँ पे एक चीज ऐसी ध्यान दी कि साइन इनवर्स एक्स है ना, तो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कहां से कहां तक होता है बेटा? माइनस वन से प्लस वन होता है। एज पर दिस डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि वन बाई रूट टू छोटी सब कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेके वन बाई रूट टू तक, राइट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया।
बट वी अंडरस्टैंड कि ये माइनस वन से छोटी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. इट इज नॉट अलाउड. इनवर्स में, साइन इनवर्स में कभी भी वैल्यू नीचे जा ही नहीं सकती माइनस वन से. ठीक है, तो इसीलिए व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर वुड बी माइनस वन से लेके वन बाई रूट टू तक. ठीक है, ये रूट होना चाहिए था, वन बाई रूट टू तक, और दोनों के दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर है. सो आई होप इट इज ओके चिल्ड्रन. यस सर. राइट, एंड विल मीट इन टुमारोज क्लास.